बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई एम निम्रा ज़फ़र। द टॉपिक विच इज़ अंडर डिस्कशन टुडे इज़ द जुडिशियल एंड कुज़ाय जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन या फिर जुडिशियल एंड कुज़ाय जुडिशियल अथॉरिटी। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन अबाउट द न्यू वीडियोज टाइमली। अब आते हैं स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुडिशियल अथॉरिटी और कुज़ाय जुडिशियल अथॉरिटी या फिर कुज़ाय जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन या फिर जुडिशियल बॉडी और कुज़ाय जुडिशियल बॉडीज़, ये क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जुडिशियल अथॉरिटी या जुडिशियल बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं। ये ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं या ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हुए प्रोसीडिंग्स को लेकर आगे चलती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोर्ट्स बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या जो भी हमारी कोर्ट्स होती हैं, अदालतें जहाँ पर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हुए आगे लेकर चलती हैं। जैसे कि CPC सिविल मैटर्स को डील करती है, तो हम अकॉर्डिंग टू CPC इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी केस की प्रोसीडिंग को आगे लेकर चलते हैं। और इन द केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल मैटर है या कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो हम CRPC को जो है मद्देनज़र रखते हुए किसी भी केस को लेकर आगे चलते हैं, ठीक है। जुडिशियल बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि बाउंड बाय प्रेसिडेंट्स होती हैं। जैसे कि अब प्रेसिडेंट जो है ये एक काइंड ऑफ लॉ है, तो जैसे हम लोग CPC और CRPC की बात करते हैं, उसी तरह प्रेसिडेंट जो है ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। प्रेसिडेंट एक्चुअली होता क्या है कि जब एक इन्फीरियर कोर्ट किसी एक केस में एक सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करती है, कि उसके पास अगर कोई सेम नेचर का केस आ गया जो कि पहले हायर कोर्ट के पास आया था, तो वो उस केस में वैसा ही फैसला करेगी, तो ये प्रेसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। अब जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती हैं, ये कॉम्पिटेंट बॉडीज़ होती हैं जो कि किसी भी केस में फैक्ट्स को कंसीडर करती हैं, और उससे क्या होता है, इफ़ेक्ट होते हैं द राइट्स ऑफ अदर्स, ठीक है। उसके अलावा जुडिशियल बॉडीज़ फॉलो करती हैं कंप्लीट प्रोसीजर को, जैसे कि हमने CPC और CRPC की एग्जांपल देखी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, और कोर्ट्स ने क्या करना होता है, इन जुडिशियल बॉडीज़ ने क्या करना होता है, इन्हें स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी केस की प्रोसीडिंग को आगे लेकर जाना होता है। और इसमें जो इन केसेस में जो पनिशमेंट होती है, जुडिशियल बॉडीज़ जो पनिशमेंट देती हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ देती हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर देती हैं जो ऑलरेडी उनके पास मौजूद होता है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है जुडिशियल बॉडीज की, हाई कोर्ट हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दिस वॉज ऑल अबाउट जुडिशियल अथॉरिटी एंड जुडिशियल बॉडीज। अब हम आते हैं कुज़ाय जुडिशियल अथॉरिटी या कुज़ाय जुडिशियल बॉडीज कौन कौन सी होती हैं। कुज़ाय जुडिशियल एक्चुअली एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है नॉट एग्जैक्टली। नॉट एग्जैक्टली से क्या मुराद है यहां पर, कि ये फुली जुडिशियल नहीं है। जैसे कि हमने जुडिशियल अथॉरिटी की बात की थी कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस चलती हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर जो है वो चलती हैं, लेकिन कुज़ाय जुडिशियल अथॉरिटी जो है वो एक ऐसी बॉडी होती है जो कि जुडिशियल नहीं होती पूरी तरीके से, बट इससे मिलती जुलती होती है। कैसे मिलती जुलती होती है, सबसे पहली बात, नॉट बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर लाइक द जुडिशियल बॉडीज़, ठीक है। जैसा कि जुडिशियल बॉडीज़ अपने प्रोसीजर को फॉलो करती हैं और किसी भी केस में मद्देनज़र रखती हैं, जैसे क्रिमिनल केसेस में CRPC और सिविल केसेस में CPC, ये हमने एग्जांपल ली थी, तो इसी तरह कुज़ाय जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो होती हैं ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को खुद डिराइव करती हैं, खुद बनाती हैं, ताकि फंक्शनिंग इसकी अच्छे तरीके से हो सके। ये बाउंड नहीं है कि ये जो जुडिशियल बॉडीज़ के प्रोसीजर को फॉलो करे, ठीक है, और गिव द डिसीजन विदाउट द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट एज इन द जुडिशियल बॉडी, ठीक है। कि जुडिशियल बॉडीज क्या करती हैं, इनमें कोर्ट में प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट की, लेकिन कुज़ाय जुडिशियल में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर क्या होता है, इनको पावर्स दे दी जाती हैं एंड द प्रोसीजर्स रिजेंबलिंग दोज ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब इनके प्रोसीजर्स ज़रूर होते हैं जैसे कि कोर्ट ऑफ लॉ के होते हैं, बट दे आर नॉट बाउंड टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट प्रोसीजर्स, ठीक है। लेकिन इनके पास पावर्स होती हैं कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती हैं, इनको प्रोसीजर भी दिया जाता है जैसे कि कोर्ट ऑफ लॉ का है, लेकिन कुज़ाय जुडिशियल अथॉरिटी जो है ये एक आउटसाइड अथॉरिटी होती है जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अथॉरिटी हम कह सकते हैं, कि जिसमें क्या होता है, ये रिजॉल्व करते हैं दो पार्टीज़ के दरमियान में जो इशू होता है, और रिजल्ट्स किस फॉर्म में आते हैं
कुजाए जुडिशल ऑर्डर की फॉर्म में ये रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये फॉलो करते हैं रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। ये एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी होती है जो कि पूरी तरीके से एक जुडिशल बॉडी नहीं होती, और ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है बनाते हैं ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके और जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके लोगों को। और इसकी एग्जांपल क्या है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे कि मुकर्रर कर दिया गया, जैसे कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो भी कुज़ाए जुडिशल बॉडी में आ जाते हैं, और उसके अलावा रेलवे क्लेम जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कुज़ाए जुडिशल बॉडीज़ हैं जो इसमें आ जाती हैं। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video. And if you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.